आज आपको बताएंगे गमले के मिट्टी बनाने की विधि, जो कि आप एक बार मिट्टी ऐसा मेरी तरह बनाइएगा तो उसके बाद आपका गमला में कोई भी फल फूल जैसा भी आप चाहिएगा जो नर्सरी वाले के तरह कैसे फरेगा, ये सब सारा वीडियो में अंत तक रहिए। मैं बता दूंगा कैसे आपका इतना फराव भी होगा और मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए जो गमला में आसानी से रहे। पहले आपको मिट्टी ले लेना होगा। मिट्टी आपको 10 केजी या 20 केजी के हिसाब से ले लेना होगा। 10 केजी लीजिए, और जैसे ही 10 केजी लीजिएगा तो उसके हिसाब से 2.5 केजी आपको वर्मी कंपोस्ट अच्छा वाला लेना होगा, जो कि मैं जैसे लिया हूँ। और आपको 100 ग्राम के हिसाब से आपको मिक्स खाद, जो जिसमें यूरिया, फास्फोरस, पोटास, जितना चीज़ होता है, कैल्शियम और सब चीज़ जो होता है, सल्फर और जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन, ये सब मिला हुआ होना चाहिए। जैविक वाले भी वैसा ही होना चाहिए। अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो वो जैविक वाला में जिसमें ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, पोटेशियम, आयरन सारा चीज़ मिला रहता है, वैसा वाला ले लीजिए जो मैं लिया हूँ। इसमें से 4 मुट्ठी मैं इसको दूंगा मिट्टी में। और ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में भी बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। और 1 मुट्ठी आपको और भी चीज़ लेना होगा, जो कि चाय पत्ती का खाद होता है, जो चाय पत्ती आपके घर में होता है उसका खाद आप 1 मुट्ठी दे दीजिए इसमें, जिससे पोटेशियम का कमी नहीं रहेगा। और ये देखिए पूरा मिला हुआ रंग बिरंग का ये रहता है, इसमें सारा चीज़ का खाद मिक्सचर रहता है, जो कि 100 रुपये केजी के हिसाब से देगा कोई भी नर्सरी में। वो ले लीजिए अच्छी तरह से, वो भी पूरा मिला दीजिए अच्छी तरह से, हाथ से मिलाइए या जैसे मिलाना है। और इसमें से घास खरपतवार एक भी न रहना चाहिए, नहीं तो खरपतवार अगर एक भी दिखाई दिया तो वो प्लांट आपको बड़ा बना देगा। इसलिए पूरा मिला के मिक्स करके बहुत अच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए, पूरा इधर से उधर कर दीजिए, उधर से उधर कर दीजिए, सारा मिला दीजिए। और खूब अच्छी तरह से आप मिला के अच्छी तरह से इसमें आप और भी जो भी हो खाद आपके पास, जैसे आपको नीम खली केक होता है, उसके बाद सरसों खली केक होता है, वो सब दे दीजिए, वो भी 1-1 मुट्ठी दे दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर सरसों खली नहीं है तो सरसों का पत्ता 1 मुट्ठी रख दीजिए। मैं वही रखूँगा, सरसों का पत्ता, मतलब सरसों का पत्ता कर रहा हूँ, आपको नीम का पत्ता रख देना चाहिए। और इसे गमला में अच्छी तरह 75% हिस्सा ही भरे गमला में, कोई भी गमला आप भरिएगा तो 75% हिस्सा भरिएगा, ज़्यादा आप नहीं भरिएगा। और जैसे ही 75% हिस्सा भर दीजिएगा तो आप उसमें बीच में आप आराम से कोई दूसरा खाद बीच में आप प्लांट लगाने के लिए 75% भरिएगा तो प्लांट इधर उधर लगाइएगा तो वो ठीक रहेगा, पानी देने में भी रहेगा अच्छा। और गमला में पहले चेक कर लीजिएगा, होल बहुत अच्छा होना चाहिए, होल अगर है और इसे आप पानी दे के, थोड़ा पानी दे के जो कि बाहर ना निकले, और छोड़ दीजिएगा 2-5 दिन बाद, उसके बाद आप प्लांट लगाइएगा। देखिएगा इसमें कोई भी बीज लगाइए, कोई चीज़ लगाइए, सब आपका जर्मिनेशन